हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। ऋषिकेश एम्स में नौकरी के नाम पर ठगी का खेल बदस्तूर जारी है। कोतवाली पुलिस ने एम्स ऋषिकेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि गिरोह के 3 प्रमुख सदस्य फरार बताए जा रहे हैं। इनके पास से पुलिस ने 1,70,000 रुपए, एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक लैपटॉप सहित कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। ऋषिकेश पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि पारस नाम के शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूके लाइव के लिए बलवंत रावत की रिपोर्ट। इसके भी प्रशांत विद्या विहार से एक फरार है, एक पुष्पा और एक दीपक, तो तीन फरार है जिनको भी पकड़ना बाकी है। संविदा के नाम पे नौकरी नाम पे हमने पकड़ा है इनके, फर्जी नियुक्ति पत्र देते थे और इसे फिर मेडिकल के नाम से 1-1 लाख रुपए और लेते, यानी 2.5 लाख, फिर 1 लाख, यानी 3.5 लाख रुपए इस प्रकार से फर्जी नियुक्ति के नाम पे पैसे लेते रहे हैं। इसमें जो प्रकाश माया जिनको भी पकड़ा है हम लोगों ने, इसमें सागर पांडे है, कुशनियाल है, चिराग गर्ग है, अब्दुल कादिर, अजय रावत, अमित भारती और विक्रम, ये लोग पकड़े गए। इनके पास से जो हमारे पास मिले हैं फर्जी नियुक्ति पत्र मिले हैं, लैपटॉप मिला है, मोबाइल्स मिले हैं 7-8, और 1,70,000 रुपये नकद और स्कॉर्पियो गाड़ी है, ये प्रकाश माया पकड़ना है। सर एम्स के भीतर भी किसी स्टाफ को मिलेंगे जो ऐसा है चल पाए? एक तो कर्मचारियों के नाम आए हैं, परंतु अभी हमने जहाँ अभी तक अभी जो संज्ञान लिया है इसको, फिलहाल अभी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया, मतलब किसी भी जो पीड़ित है ने डायरेक्ट सीधे नहीं बताया।